दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आउटर रिंग रोड और नेशनल हाईवे पे ट्रकों के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही इनके पास से लूट की काफी चीजें भी बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े ये वही 5 बदमाश हैं जो दिल्ली में हाईवे रॉबरी की वारदात को अंजाम देते थे। पिछले 1 महीने में इन हाईवे रॉबर्स का गैंग कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसी महीने की 2 तारीख को इन बदमाशों ने अमेजन के प्रोडक्ट से भरे ट्रक को लूटा था और बीती 9 तारीख को कीर्ति नगर इलाके में एक ट्रक को लूटा था। हाईवे रॉबर्स का ये गैंग उन्हीं ट्रकों को अपना निशाना बनाता था जिनमें कीमती सामान लाया जा रहा हो। हाईवे रॉबर्स के इस गैंग के सदस्य 2 अलग अलग गाड़ियों में सवार होते हैं। जैसे ही ट्रक टोल प्लाजा को क्रॉस करता है तभी रॉबर्स की एक गाड़ी ट्रक को आगे जाकर रोक लेती है और रॉबर्स ट्रक ड्राइवर से झगड़ा करके ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लेते हैं। ट्रक को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां हाईवे रॉबर्स का दूसरा ट्रक खड़ा होता था। सभी रॉबर्स लूटे गए ट्रक का सामान अपने ट्रक में डालकर फरार हो जाते हैं। तो इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि पहले ये लोग 2 गाड़ियों में निकलते हैं, छोटे गाड़ियों में। इनके पास से जो हमको अभी तक रिकवरी हुआ है, जो क्राइम में इस्तेमाल करते थे, एक स्विफ्ट डिजायर और एक बीट की गाड़ी थी। ये 2 गाड़ियों में बैठते थे और टोल प्लाजा, अपना गुड़गांव का जो टोल प्लाजा है, उससे आगे से ही जिस ट्रक को लूटना है उसको टारगेट कर लेते हैं। और टोल प्लाजा को जब ये ट्रक पहुंचती है वो ये तय कर लेते हैं कि इसमें कौन सा सामान है, और खासकर ये सुपारी और कुछ अमेजोन आर्टिकल्स और कुछ जैसे ही इजिली मार्केट में, और एजेंट्स को ये जो जिनके थ्रू इनको डिस्पोज ऑफ करना है लूटेड मामले, जो भी लूटेड आर्टिकल्स हैं, तो ऐसे ही टारगेट करते हैं ये। जब ये टोल पार करके धौला कुआं और आउटर रिंग रोड पे ट्रक वाला पहुंच जाता है तो पहला एक जो गाड़ी पहले गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर में गाड़ी में जो बंदे बैठते हैं वो पहले ट्रक के सामने जाके हाथ दे के रोकते हैं कि आप तुम्हारा ट्रक हमारे को लग गया है पीछे से। जब वो ट्रक वाला वो ट्रक को रात के टाइम पे 2:30-3 बजे के आसपास, कोई नहीं होता है वहाँ पे, जब ये ट्रक को रोकता है तो तुरंत ये लड़के उतर के जो पहले वाले में थे वो उसको काबू कर लेते हैं ट्रक में चढ़ के, और ट्रक ड्राइवर को इनके गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसके बाद इसको ट्रक को आगे लेके जाते हैं और कहीं पे भी इंडस्ट्रियल एरिया में, कहीं पे भी जो सुनसान जगह है वहाँ पे ऑलरेडी इनका और एक ट्रक खड़ा होता है और इस ट्रक को बगल में खड़ा करके पूरा माल उसमें लोड कर लेते हैं। क्राइम ब्रांच की माने तो हाईवे रॉबर्स का ये गिरोह 2011 से दिल्ली के आउटर रिंग रोड और नेशनल हाईवे में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन्हें ये रॉबर्स लूट का सामान बेचते थे। इन 5 रॉबर्स पर इससे पहले भी लूट के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इनके पास से वो 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं जिनकी मदद से ये गिरोह लूट की वारदात को अंजाम देता था।